नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी डॉक्टर, डॉक्टर पतंजलि सिंह। इनके बारे में दर्शकों आपको बता दूं कि ये प्रोफेसर इन हेड है ऑनकोलॉजिक रेडिएशन डिपार्टमेंट में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। आपसे जानना चाहूँगी कि ये कीमोथेरेपी क्या होता है। कीमोथेरेपी दवाई होती है जो हम यूजुअली नस में दे के चढ़ाते हैं। वो कैंसर के संपर्क में दिया जाता है कैंसर पे काबू पाने के लिए। और हर एक कैंसर का अलग कीमोथेरेपी का रेजिमेन होता है, जिसमें कि एक या दो या तीन दवाइयाँ साथ में दी जाती हैं, जिसको हम लोग कीमो साइकिल्स कहते हैं। और वो हर अंतराल पे होता है, जैसे कि मान लीजिए 15 दिन के अंदर या 21 दिन के अंदर होता है, कभी कभी एक और 8वां दिन भी होता है। तो ये साइकिल्स जो है, ये हम जब देते हैं तो जो कोशिकाएं होते हैं कैंसर के, उनको हम मारते हैं। जो जो माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ है उस पर काबू पाते हैं, या फिर माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ है उस पर भी काबू पाते हैं। और जो ट्यूमर सेल्स हैं उनकी संख्या कम होती जाती है। तो इसको देने का प्रक्रिया में नाप और वजन के हिसाब से कीमोथेरेपी की मात्रा हम लोग तय करते हैं, और इन्फ्यूज़न के रूप में अधिकतर लोग को देते हैं। हर एक कीमोथेरेपी का अपना इन्फ्यूज़न रेट है, और हर एक कीमोथेरेपी रेजिमेन जो है उसका अपना एक साइक ड्यूरेशन होगा। जैसे 1 घंटा में देना है, या 2 घंटा में, या 3 घंटा, या हो सकता है 2 दिन के अंदर भी देना हो। तो ये हमेशा से किसी जानकार आदमी के अंतर्गत ये दिलाना चाहिए। दूसरी बात है कि जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लक्षण काफ़ी पाए जाते हैं, जैसे कि उल्टी बराबर से होना, या फिर बोन मैरो सप्रेशन होना, जिससे कि खून की कमी आती है, बाल का झड़ना, कि कुछ कुछ लोगों को कुछ दवाइयाँ से लूज मोशन हो सकता है, इसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स आपके हार्ट पे भी थोड़ा बहुत जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसके पहले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने की भी मेडिसिन, जिसको प्री मेडिकेशन होता है, वो देते हैं। और हर एक साइकिल के बाद हम लोग पेशेंट को अच्छे से जाँच करते हैं और देखते हैं कि कोई संभावना तो नहीं है कोई टॉक्सिसिटी की। अगर टॉक्सिसिटी की संभावना लग रही है तो डोज को उसके हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। तो मैं यही जानकारी देना चाहूँगी कि ये सब साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ईजिली प्रिवेंट भी किया जा सकता है। अगर आता है तो उसको हम लोग ट्रीट भी करते हैं। कीमोथेरेपी से किसी को डरना नहीं है, आमतौर पर छोटे बच्चे भी ले लेते हैं इसको, अगर सही से दिया जाए तो। और जानकार हो के आगे अपने प्रक्रिया में कीमोथेरेपी में हमेशा पार्टिसिपेट करना है, समय पे आना है, नहीं तो जो कीमोथेरेपी का रेजिमेन है वो कारगर नहीं हो पाएगा। और कोई महिला अगर किसी को भी अगर कैंसर हो रखा है और वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसे बच्चे पे कीमोथेरेपी का कितना असर पड़ता है? तो हर कीमोथेरेपी को हम अगर प्रेग्नेंट वुमन में देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। कुछ ऐसे कीमोथेरेपी हैं जो कि प्रेग्नेंट वुमन या लेडीज़ में दे सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिससे कि बच्चे पे असर नहीं होगा। बच्चे होने के बाद भी हर दवाई को हम महिला पे नहीं दे सकते, क्योंकि उनके स्तन के थ्रू स्तनपान जो करा रही हैं वो बच्चों में भी जा सकती हैं। लेकिन वो फिर बैलेंस करने वाली तरीका है कि अगर बहुत ज़रूरी है तो स्तनपान रोक के उनको वो कीमोथेरेपी देना पड़ सकता है। तो कुछ ऐसे कीमोथेरेपी है जो कि मान लीजिए कि पेशेंट अगर गर्भाशय में है तब उनको दिया जा सकता है, और कुछ को तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। और कीमोथेरेपी से क्या बाल भी झड़ते हैं? तो बाल झड़ना एक कीमोथेरेपी का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। हालांकि हर दवा से बाल नहीं झड़ते हैं। तो कुछ हमारे पास जो महिलाएं आती हैं वो ज़रूर बोलती हैं हमें कि मैडम ऐसा दवाई चाहिए जो कि शायद बाल कम झड़े। तो कुछ ऐसे दवाई भी हैं, बट अगर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो दवाई जो कि जिसे बाल झड़ते हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी महिलाओं को कि आप दवाई ज़रूर लें, बाल आपके और अच्छे से वापस पनपेंगे एक बार कीमोथेरेपी ख़त्म हो तो। और जिस दौरान आपके बाल नहीं रहते हैं उस दौरान आप विक का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैम बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आशा करते हैं ये तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।